जब विधानसभा चुनाव की गलियारों में चर्चा हो कि उम्मीदवार कौन जीतेगा और कौन हारेगा, आखिर कौन कितनी चाले चल रहा है और कौन कितनी नहीं, उस बीच में उद्धव बाला साहब ठाकरे का दल शिवसेना वसई विरार में चर्चा का विषय बना एक शख्स के कारण, वो है पंकज दत्तात्रेय देशमुख। जब इन पर इनकी ही पार्टी के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए और जिला प्रमुख से निष्कासित करने का की मांग उठाई, और आखिर इस मांग के बाद क्यों कार्यालय के बाहर जब सैकड़ों लोग जमा हुए तो पंकज देशमुख को जवाब देना पड़ा, और इस संपूर्ण मिस्ट्री के बीच में पंकज देशमुख आखिर कैसे चर्चा का विषय बन गए, आइए हम समझते हैं इस पूरी गणित के पीछे क्या है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन। पंकज दत्तात्रेय देशमुख, ये नाम नया इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बहुजन विकास अघाड़ी को त्याग पत्र देकर जिस प्रकार से शिवसेना में शामिल हुए थे उसके बाद उनके किस्मत की घड़ियां शुरू हो गई थी चलना। ये कहा जा रहा था कि पंकज देशमुख जैसे ही बहुजन विकास अघाड़ी को छोड़े हैं वो जिला प्रमुख बन जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो पार्टी में प्रवेश किए और उन्हें वेट एंड वॉच रखा गया, लेकिन तुरंत ही बाद पार्टी के दो फाड़ हो गए और उसके बाद उन्हें मौका मिल गया जिला प्रमुख बनने का। वसई विरार शहर के जिला प्रमुख बने और उसके बाद भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप से घिरे रहे, लेकिन इस बीच में जिस प्रकार से उद्धव बाला साहब ठाकरे के करीबी हो गए, मिले नार्वेकर सीधे बातचीत करते हैं उनसे, उसके बाद विनायक राउत से लेकर ना उप नेता, यहाँ जो प्रादेशिक नेता है वो सब उनके टच में है। इस प्रकार से सीधे उनकी टच होने की वजह से, उनकी मुलाकात होने की वजह से उनका कद धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ता गया। लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़ते कद में सवाल कई सारे होने लगे कि आखिर क्या संगठन ठीक ढंग से ठीक दिशा में चल रहा है। कई वरिष्ठ अंदर ही अंदर इस बात की खिचड़ी पका रहे थे कि क्या पंकज देशमुख ने उस प्रकार से चाल चली जिस प्रकार से दल अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट कर सके शहर। इस बात को जब सर ये इस बात की चर्चा का विषय ही बन रहा था, विषय गंभीर हो रहा था, उसी समय बीच में आ गया एक और चर्चा। उसमें नारे लगना शुरू हुआ और नारे लगे पंकज देशमुख को निष्कासित किया जाए जिला प्रमुख पद से। ये नारे उन लोगों ने लगाए जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं इस शहर के, श्री चौहान, जो गट नेता रहे हैं, जिन्होंने तमाम पदों पर आश्रित होकर शिवसेना को वसई विरार में जिंदा रखने के लिए काम किया, वरिष्ठ नेता वो जो विनायक निकम है इस समय भी बड़े पद पर कार्यरत है, तमाम वरिष्ठों ने, मिलिंद खानोलकर से लेकर तमाम वरिष्ठों ने इस बात का विरोध किया कि पंकज देशमुख ढंग से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से चुनाव की मशाल पर एक भी सीट, यानी वसई, चाहे वसई हो नालासोपारा हो, इन दोनों की खासकर अपेक्षा थी वो उनको नहीं मिल पाई, इन दोनों ही अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए पंकज देशमुख मातोश्री के अंदर। ऐसे में पंकज देशमुख पर गंभीर आरोप लगे, पंकज देशमुख पर आरोप लगे कि निष्कासित किया जाए उन्हें। इसके बाद ही उनके कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होना शुरू हो। अगले सुबह होती है, पटाखों के बीच उनका स्वागत होता है, कार्यालय पहुंचते हैं। उनका कहना है कि दिवाली के अवसर पर ऐसी भीड़ हमेशा आती है, पत्रकार पहली बार आए हैं, हर साल दिवाली में ऐसी ही भीड़ दिखती है, हम मान भी लेते हैं। वहां पर जब सैकड़ों की भीड़ हुई उस दिन पंकज देशमुख ने सबको शांत किया, कई लोग आक्रोशित हुए, कई लोग आरोप करने लगे कि पार्टी नीतिगत काम नहीं कर रही है, तमाम आरोप लगा रही है पंकज देशमुख पर, वो निष्क्रिय है जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से मातोश्री के आदेश के आधार पर जिन्हें टिकट दिया गया है उसे हम मान्य करेंगे, उनका प्रचार करेंगे, उस नियम के अनुसार चलेंगे। खैर ये तो सब बातें ठीक थी, पंकज देशमुख ने बयान भी दिया और कहा सब वरिष्ठ हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ बयान दिया उनका भी स्वागत, और उनकी बात जिस तरीके से उनको दिल में दुख हुआ वो भी, लेकिन दूसरे ही पर उन्होंने एक चाल और चल दी। इसलिए कहा जाता है पंकज देशमुख अत्यधिक चालाक, पंकज देशमुख अत्यधिक रणनीतिकार में माने जाते हैं। उन्होंने तुरंत क्या किया, दिवाली के अगले दिन, जानते थे मेयर बोला आपका दिन है, सभी से मिलना जाना ही है, मिठाई का डब्बा देना ही है, उन्होंने उन सभी लोगों को चिन्हित किया जो नाराज थे, जो खासकर नाराजगी के सुर एक साथ पिरो रहे थे, नरेश वैद्य हो, श्री चौहान हो, विनायक निकम हो, किरण चिंदवनकर हो, इन सभी से उन्होंने सीधे मुलाकात करके तस्वीरें वायरल कर दी। ऐसे में एक बात साफ है, उन्होंने जब बयान दिया इनके खिलाफ तो वो आक्रोशित नहीं हुए, संयम से काम लिए, सैकड़ों लोग कार्यालय के बाहर आए, उसे संयम से लिया, उन्हीं वरिष्ठों की प्रशंसा कर दी जिन्होंने उन पर आरोप लगाया और उसके बाद उन्हीं के घर चले गए जिन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनके पद को खारिज करने, उनको वापस लेने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने ये राजनीतिक कथा लिखते हुए यही बता दिया कि राजनीति सकारात्मक पॉजिटिव सोच कर भी होती है, और उसके बाद जिस प्रकार से वो सही में विजय पाटिल के मंच पर उनको देखा गया उसके बाद एक बात तो साफ है कि मातोश्री के आदेश का सहारा और मातोश्री से उनके संबंध बहुत गहरे हो चुके हैं,
उनको डर सिर्फ एक बात का है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे भी नाराज ना हो, वो जो कहेंगे वो करेंगे, उसके अनुसार ही यहाँ पर अपनी पार्टी चलाएंगे। खैर, अब इस पार्टी चलाने न चलाने, संगठन को किस तरह आगे बढ़ाएंगे वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल पंकज की रणनीति काम कर गई, फिलहाल जमीन पर वो काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पंकज देशमुख मना तो ले गए उनको जो नाराज थे, लेकिन क्या सीटें ला पाएंगे महाविकास आघाड़ी की जिस प्रकार से लानी चाहिए, ये सब कुछ देखना होगा। आज के लिए धन्यवाद।